कॉमर्स कॉन्प्ट शॉर्ट्स में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में अ शिफ्ट इन द डिमांड कव जब भी शिफ्ट की बात करी जाए तो समझ आना कि डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड डिक्रीज होगी इंक्रीज़ और डिक्रीज की बात करेंगे क्योंकि मूवमेंट में किसकी बात करते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की ठीक है और शिफ्ट इन डिमांड कव किसकी वजह से होता है जब फैक्टर में चेंज आता है जो फैक्टर्स होते हैं जैसे इनकम हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया ठीक है उसमें अगर चेंज आता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होती है ठीक है और इसमें प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में प्राइस की वजह से चेंज आता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो सबसे पहला आता है इंक्रीज़ इन डिमांड ठीक है जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कव शिफ्ट हो जाती है राइट right साइड इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कव में जैसे देखो ये रहा फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है इंक्रीज इन डिमांड कव एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल